हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम IDI बैंक के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको 600 पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए निकाली गई हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट पास मांगा गया है। अगर आप एलिजिबल हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन जरूर करिएगा। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कब, कहां और कैसे आवेदन करना है, इनकी सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगी, यानी कि पूरी जानकारी यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहां पर देखिए टोटल 600 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें जनरल के लिए 244 हैं, एससी के लिए 190 हैं, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 89 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 पोस्ट निकाली गई और पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जैसे मैंने बताया था आपको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट पास मांगा गया है और कम से कम 2 साल का अनुभव भी बैंकिंग क्षेत्र में होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जिनके आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी, जहां पर ऑनलाइन टेस्ट इन्होंने यहां पर दिया हुआ है अप्रैल 2023 में संभावित की जा सकती है। इनके एज लिमिट की बात करें तो जैसे मैंने बताया था 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जो मिनिमम 2 जनवरी 1993 से लेकर जो मैक्सिमम 1 जनवरी 2002 के बीच में होना चाहिए। आगे बात करें इनके इम्पोर्टेंस डेट की, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसे आपको समय रहते 28 फरवरी 2023 तक आवेदन कर लेना है। और संभावित ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो अप्रैल 2023 संभावित रखा गया है। इनके एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट को ₹1000 का शुल्क भुगतान करना है, वहीं पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थियों को ₹200 का शुल्क भुगतान करना है। इसे आप ऑनलाइन के माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI आदि के माध्यम से कर सकते हैं। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो फोटो, साइन, संबंधित पोस्ट के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि अपने पास रखना होगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद द्वारा जो जारी की गई नोटिफिकेशन है उसे आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा। ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखिएगा। आगे बात करें इनके एग्जाम पैटर्न की, तो टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैक्सिमम 200 नंबर का दिया जाएगा, जिसे आपको 2 घंटे में देना है। अगर आप गलती करते हैं तो यहाँ पर माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 0.25 के आधार पर अंक काटा जाएगा। वही बात करें इनके टॉपिक्स की, तो यहाँ पर देखिए लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन के लिए 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। वहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर और IT के लिए 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट ली जाएगी, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू ली जाएगी, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि इन्हीं के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें इनके सैलरी की, तो सैलरी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 36,000 से लेकर 63,840 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। चलिए बात करते हैं इनके ऑफिशियल लिंक और PDF फाइल की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही IDBI के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।